हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है लोकेश बंसीवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। तो गाइस, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो आप सोचते होंगे कि मैं एक मिनट में मेरे कितनी एमबी खर्च होती है, जबकि मैं 144 पिक्सल पर देखता हूं, 240 पर देखता हूं, 360 पर, 480 पे और या हाई क्वालिटी में देखता हूं, तो मेरी कितनी खर्च होती होगी। तो गाइस, आपको बहुत बार मूवी भी देखनी होती है या फिर कोई भी वीडियो देखनी होती है अच्छी क्वालिटी में, तो गाइस आप उसको नहीं देख पाते हैं क्योंकि आप एमबी की बचत करना चाहते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कितनी एमबी में, कितने मिनट तक, कितने रेजोल्यूशन में आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे ऐसे मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और गाइस, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि अगर आप 144 पिक्सल में देखते हैं अपनी वीडियो को एक मिनट के लिए, तो वहाँ पर आपको 1.3 एमबी खर्च करनी होगी। और वहीं अगर आप अपनी वीडियो को एक घंटे के लिए देखते हैं 144 पिक्सल पर, तो गाइस वहाँ पर आपको 80 एमबी खर्च करनी पड़ेगी। तो गाइस, अब हम शुरू करते हैं कि अगर हम अपनी वीडियो को 144 पिक्सल पर एक मिनट के लिए देखते हैं तो हमारी कितनी एमबी खर्च होगी। तो गाइस, वहां पर आपको 1.3 एमबी खर्च करने पड़ेगी। और वहीं अगर आप इस वीडियो को 144 पिक्सल पर एक घंटे के लिए देखते हैं तो वहां पर आपको 80 एमबी खर्च करनी पड़ेगी। और गाइस, अब हम आते हैं 240 पिक्सल पर। तो गाइस, वहां पर आपको 240 पिक्सल पर अगर एक मिनट आपको वीडियो वॉच करनी है तो वहां पर आपको 3.3 एमबी और 300 केबी आपको खर्च करनी पड़ेगी। तो गाइस, वहीं आपको 240 पिक्सल पर देखनी है एक घंटे के लिए वीडियो, वहां पर आपको 200 एमबी खर्च करनी पड़ेगी। और अब हम चलते हैं अपनी 360 पिक्सल पर, जो कि नॉर्मल पिक्सल हो जाते हैं, ऑटो पिक्सल। तो गाइस, अगर वहां पर आप एक मिनट के लिए वीडियो देखते हैं तो वहां पर आपको 5 एमबी तक खर्च करनी पड़ जाएगी। और अगर आप एक घंटे के लिए देखते हैं 360 पिक्सल पर, तो गाइस वहां पर आपको 300 एमबी तक खर्च करनी पड़ जाएगी। और गाइस, अब हम चलते हैं अपने 480 पिक्सल पर। तो गाइस, अगर हम 480 पिक्सल पर अगर हम एक मिनट के लिए वीडियो देखते हैं तो वहां पर 8 एमबी और 300 केबी हमारी खर्च होती है। और वहीं अगर हम एक घंटे के लिए देखते हैं तो वहां पर हमारी 500 एमबी समाप्त हो जाती है। तो गाइस, अब हम चलते हैं हमारे 720 पिक्सल के ऊपर। तो गाइस, अगर आप अपनी वीडियो को 720 पिक्सल में देखते हैं एक मिनट के लिए, तो वहां पर आपको 25 एमबी खर्च करनी पड़ेगी। और वहीं अगर इस वीडियो को आप एक घंटे के लिए देखते हैं तो गाइस वहां पर आपको अपनी 1.5 GB खर्च करनी पड़ेगी, जो कि एक घंटा होता है और आप 720 पिक्सल में देख सकते हैं, जो कि काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है। और गाइस, अगर हम इससे भी हाई रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 1080 पिक्सल की। तो गाइस, अगर हम 1080 पिक्सल को एक मिनट के लिए वीडियो वॉच करते हैं तो गाइस वहां पर हमारे को 50 MB तक खर्च करनी पड़ती है। वहीं अगर हम एक घंटे के लिए 1080 पिक्सल में वीडियो वॉच करते हैं तो गाइस आपको 3 GB तक खर्च करनी पड़ सकती है। तो गाइस, मैंने आपको 144 पिक्सल से 1080 पिक्सल तक सारे बता दिए कि आपको कितनी एमबी खर्च करनी पड़ेगी, कितने मिनट के लिए, और आपको कौन से रेजोल्यूशन में वीडियो देखना है। तो गाइस, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। मेरे हिसाब से 360 और 480 पिक्सल नॉर्मल है, हम उसमें वीडियो देख सकते हैं और ज़्यादा एमबी भी खर्च नहीं होगी। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे ऐसे मजेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।